भूल से यह कार्य ना करे कि वो फिर आपके चरणों में लगे। जो एक बार भगवान को चढ़ गया वो क्या हो गया, बोले प्रसाद हो गया। और यही सेवा का अपराध होता है, और इन्हीं छोटे छोटे अपराधों से जीव को पाप का भोग भोगना पड़ता है। बोले कैसे महाराज? तो यहाँ पर जब भगवान को भोग लगाते हैं, कोई भी वस्तु प्रदान करते हैं हम, तो ये स्मरण रहे कि भगवान काल्पनिक नहीं है। आप मूर्ति मान करके उन पे कोई वस्तु ना चढ़ाएं। आप क्यों चढ़ाते हो? बोले इसलिए चढ़ाते क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपके मन में विश्वास है कि हरि मेरी दी हुई वस्तु को स्वीकार करते, इसलिए चढ़ाते हो। लेकिन अगर वही चीज़ आपने उतार करके अपने चरणों से लगा दी, अर्थात जिस प्रकार आप पुष्पांजलि करते हो, आप पुष्प अक्षत भगवान को चढ़ाते हो, बहुत लोग भगवान को मार करके चढ़ाते हैं, ये बताओ कोई तुम्हें मार दे अगर तो कैसा लगेगा? अगर मान लो हम यहाँ से आपको कुछ मार दें तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। उसी प्रकार कभी भगवान को मार करके कोई वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। मंदिर बंद है, अगर नहीं खुले हैं पट, आप रख दीजिए श्रद्धा से। जब पंडित जी आएंगे उठा करके ले जाएंगे, अंदर रख देंगे, जिसके भाग्य में होगा ले जाएगा, उसी में ईश्वर को देखो ना, क्योंकि हर जगह तो भगवान व्याप्त है ना, तो उसी में ईश्वर को देखो, जिसके भाग में होगा ले जाएगा। लेकिन आपने तो चढ़ा दिया ना परमात्मा को, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, बोले भगवान का मंदिर यदि बंद है पट बंद है तो महाराज मार के चढ़ाएगा भगवान को, लेकिन चढ़ा करके रहेगा। यही अपराध होता है सेवा का, और यही पाप बनता है, और इसी के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, दारिद्र आता है, और तब हम भगवान की शरण में जाते। तो यदि पहले ही हम सेवा के अपराध को सुधार ले तो जीवन में दुख दारिद्र आएगा ही नहीं, और दुख दरिद्रता नहीं आएगी तो फिर हमें पाप भोगना नहीं पड़ेगा, पाप लगेगा नहीं महाराज। तो बोले भगवान के चरणों में कोई चीज चढ़ जाती है तो वो प्रसाद हो जाती है, महाप्रसाद होता है, और उसका अपराध लगता है। इसलिए अक्षत पुष्प भी कभी भगवान को मार करके फेंक करके नहीं चढ़ाना चाहिए। आपने चढ़ाया, अगर एक कण भी आपके चरण से लग गया तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भोग लगाते हैं तो कभी भी ये गलती ना करें। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। भगवान को भोग, भगवान की जो भोग है वो भगवान की मूर्तियों के ज़्यादा पास रखना भी अच्छा नहीं होता है। दूसरा अपराध हम ये भी कर देते हैं कि भगवान के एकदम सन्निकट रख देते हैं, तो ज़्यादा नज़दीक भी भगवान से नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही जब भी प्रसाद चढ़ाएं भगवान के पास, जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आप भोजन करते हो तो जलपान करते हो ना, तो वो भी तो वही है ना, अपने समान ही ईश्वर को मानना चाहिए। जिस चीज़ की आवश्यकता हमें जीवन में होती है उसी चीज़ की आवश्यकता भगवान को भी होती। अगर यह विश्वास आ जाएगा तो कभी आप अपराध करने से बच जाओगे, अपराध नहीं करोगे और उससे छूट जाओगे। चौथी बात, प्रसाद हमेशा पीतल, चांदी, सोने या मिट्टी के बने पात्र में ही भगवान को लगाना चाहिए। जो भोग लगाएं वो हमेशा पीतल की धातु से बना पात्र होना चाहिए, चांदी, सोने या मिट्टी के बने पात्र में ही भगवान को भोग प्रसाद रखना चाहिए। केले के पत्ते में भी आप भोग लगा सकते हो, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। छठी बात कही, भोग लगाने के लिए फल और दूध, यदि आप तामसिक भोजन पाते हैं, लहसुन प्याज पाते हैं, आपने गोपाल जी की सेवा ली है, तो वैसे जिस घर में गोपाल जी की सेवा हो उस घर में तामसिक चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भगवान स्वीकार ना करें वो वस्तु हमें कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप फिर भी पाते हैं तो सबसे अच्छा भोग होता है भगवान के लिए कि फल और दूध सबसे बढ़िया भोग माना जाता है। इसी को भगवान को प्रसाद के रूप में पूजा स्थल पर रखें। और कहा जाता है भोग लगे प्रसाद को पूजा स्थल पर बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, जब भगवान ग्रहण कर ले उसके बाद उसे उठा लेना चाहिए। बहुत से लोग सुबह भोग लगाते हैं और शाम तक वहीं पर पड़ा हुआ, इसका भी पाप लगता है, अपराध होता है। और सातवीं बात, पूजा के बाद कम से कम एक मिनट या कुछ मिनट के लिए जब
आप भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो उस समय पर दरवाजा या पर्दा अवश्य बंद करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो इसका भी अपराध लगता है। आठवीं बात कही कि कभी भी चढ़ाए हुए प्रसाद को दूसरे दिन के लिए ना रखे, इसे तुरंत उतारे और आपके आसपास जो भी है उसमें वितरण कर दे, या फिर आप स्वयं इसका पान कर ले। अगर आप उस प्रसाद को उतार करके छोड़ देते रख देते हैं तो आपको पाप लगता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए राजन। छोटी छोटी जीवन में भूल होती है, छोटे छोटे अपराध होते हैं और इसी कारण हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है।